नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो मैंने एक बहुत ही क्विक अपडेट के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र केतु का योग है, चंद्र राहु का योग है, चंद्र शनि का योग है, सूर्य शनि का योग है, सूर्य राहु का योग है, सूर्य शनि का योग है, या इन सभी ग्रहों का आपस में कहीं ना कहीं से दृष्टि संबंध बनता है, वो लोग चंद्र ग्रहण का फ़ायदा ज़रूर लें। जिन लोगों की मदर को तबीयत में प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, जिन लोगों की फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है या कैंसर से कोई ग्रसित चल रहा है, वो सब लोग इस ग्रहण का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को शुक्रवार वाले दिन शुरू होगा दोपहर को 12:48 पर, और इस ग्रहण का पूर्ण जोर जो है वो होगा 2:33 को दोपहर को, और शाम को 4:17 तक रहेगा। ये ग्रहण भारत में बहुत ज़्यादा दृश्य नहीं होगा, लेकिन इसका असर जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा। इसलिए इस ग्रहण पर आप सब उपाय ज़रूर करें। जो लोग उपाय करना चाहते हैं उन लोगों का क्या करना है कि 1 किलो जौ लेने हैं और उनको दूध से धो करके, गाय का दूध हो तो बेस्ट है, नहीं तो कोई भी दूध अगर आप ले लीजिए, उबला हुआ नहीं हो, कच्चा दूध चाहिए, डेरी मिल्क। 1 किलो जौ दूध से धो करके उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें, और उसके साथ साथ 7 सूखे नारियल जो पूर्णाहुति के लिए हवन में डाले जाते हैं, 7 सूखे नारियल उनको भी जल प्रवाह करें। इन सबको जल प्रवाह करने के बाद बीड़ी के बंडल जो हैं वो किसी भी जो शख्स को दे सकते हैं जो बीड़ी पीता हो, उसको डोनेट कर दें। ये उपाय करने से क्या होगा कि आपकी कुंडली में जो चंद्र केतु का योग है, या अगर कोई भी ग्रह ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है या आपके पास पैसा रुकता नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और इस उपाय से उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इस उपाय को करें और अपने जो चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उन सबसे निजात पाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगा। और इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराने के लिए, उसके बारे में एनालिसिस लेने के लिए, बेस्ट रेमेडीज लेने के लिए आप लोग मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9872372201। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो ग्रहण है, ग्रहण के समय यानी 12:48 से लेके 4:17 तक जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो और उनके हस्बैंड, वो किसी भी तरह का काम ना करें, अपनी टांगों को सीधे रख के बैठ कर के पाठ करते रहें। सोना भी नहीं है और किसी तरह का कोई और काम नहीं करना। पाठ जो आपको करना है, अगर शिव जी का पाठ कर लें तो बेस्ट होगा, नहीं तो अपने इष्ट देव का, अपने आराध्य का पाठ ज़रूर करते रहें, और किसी भी तरह का कोई अन्य काम प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें। इन सब इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए। धन्यवाद।